दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सेकंड सेक्स फेमिनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये इसने अमेरिका में फेमिनिज्म को भड़काने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस बुक में दो वॉल्यूम्स है फर्स्ट वॉल्यूम को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाली है चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में सबसे पहले तो इस वर्क को लिखने से पहले डी बव जो कि इस वर्क की राइटर हैं उन्होंने चौदह महीने की रिसर्च की थी दोस्तों फोर्टीन मंथ्स की रिसर्च की थी फिर उसके बाद इस वर्क को लिखा था दो वॉल्यूम्स में आज हम वॉल्यूम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड मिथ्स दूसरे वॉल्यूम का नाम है लिव्ड एक्सपीरियंस जिसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या बात की गई है स्टार्टिंग में ही राइटर हमसे पूछती हैं व्हाट इज वुमेन औरत क्या है इसी सवाल से ये किताब शुरू होती है ये ह्यूमैनिटी सोसाइटी मेल से बनी हुई है यानी आदमी से बनी हुई है ऐसा मानते हैं ऐसा माना जाता है और औरत को इसमें अदर की तरह देखा जाता है ये वर्ड यूज किया यहाँ पर दोस्तों इसको नोट कर लेना अदर बिना सिर पैर की बात नहीं है गौर से सुनो क्या बोल रही हैं वुमेन को अदर यानी सेकंड सेक्स की तरह देखा जाता है यानी फर्स्ट सेक्स यहाँ पर कौन है आदमी वो डायरेक्टली ऐसी बात करती है जो थोड़ी सी कम पचेगी जब मेल का स्पम औरत के ओवम से मिलता है जब मेल का स्पम फीमेल के से मिलता है तो रिप्रोडक्शन होता है ये चीज़ फिश और दूसरे इंसेक्ट्स में सेम सी होती है सेम ह्यूमन बींग्स में भी ये चीज़ होती है मतलब फ़ीमेल्स को ये जो वर्ड है फिजियोलॉजी इसको बेस बनाकर मेल्स से जो नीचे माना जाता है इसको वो गलत कहती है राइटर बोलती है कि ये चीज़ें बाकी जानवरों में और इंसेक्ट्स में भी होता है ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि नेचर ने ही औरत और आदमी में फर्क किया है दोनों के शरीरों को अलग बनाया है क्योंकि ये बात सच है कि रिप्रोडक्शन के बाद में औरत की बॉडी का बहुत बुरा हाल होता है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है लेकिन उसे कमजोर होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए हमें फिजियोलॉजिकल के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए क्योंकि अगर बच्चा पैदा करने की ही बात है गौर से सुनना दोस्तों अगर बच्चा पैदा करने की बात है तो प्रकृति में ऐसे ऐसे जीव भी हैं जो बिना सेक्स किए भी बच्चे पैदा कर सकते हैं यहाँ राइटर बहुत बड़े बड़े लोगों के आइडियाज़ को रिजेक्ट करती है जैसे कि सिगमंड्रॉयड तो सौ तो इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे सिगमंड फ्रायड इन्होंने अपनी साइको अनालिटिक थ्योरी दी थी और फेडरिक एंगल्स जो कि कार्ल मार्क्स के साथ में थे और उन्होंने द ऑरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट के बारे में बताया था दोनों के आइडियाज़ को रिजेक्ट करती है क्या बोलकर देखना पहले तो फेडरिक एंगल्स ने क्या बोला था कि ये जो ग्रेट हिस्टोरिकल डिफीट हुई थी फीमेल सेक्स की उसके बाद में यानी जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना शुरू हुआ है ना तब से औरत को दबाया जा रहा है दबाया जा रहा है और उसका एडवांटेज लिया जा रहा है ऐसा फ्रेडरिक एंगल्स बोलते थे जबकि सिगमेंट फ्रॉड के बारे में आपको पता ही है वो कैसे हर चीज को जज करते थे तो ये क्या बोलती हैं कि सिगमेंट फ्रॉय जैसे साइको एनालिस्ट तो हर चीज को सेक्स के बेस पर जज करते हैं जबकि फेडरिक एंगल्स जैसे इकोनॉमिस्ट हर चीज को पैसे के बेस पर जज करते हैं जबकि असली जवाब सही जवाब कहीं बीच में है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए ये सेक्स बेस एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए असली जवाब कहीं बीच में है वो बोलती हैं कि दो रीजंस हैं दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वुमेन की कंडीशन ऐसी है पहला पहला तो उन्हें ये प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने दो ठीक है प्रोडक्शन से दूर मत करो और दूसरा रिप्रोडक्टिव स्लेवरी से यानी कि बच्चे पैदा करने वाली जॉब से फ्री करो बाहर आने दो हिस्ट्री में आदमी को कमाने का काम दिया गया और औरत को बच्चे पैदा करने का काम दिया गया इसमें कोई बुराई नहीं थी दोनों काम अपने आप में बराबर ज़रूरी हैं लेकिन बाद में आदमी ने सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया आदमी ये बोलकर औरत पर कंट्रोल कर लेता है कि तुम बच्चे पैदा करके ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रही हो जबकि जानवर भी ये काम कर लेते हैं उस पर और कंट्रोल करने के लिए उस पर आदमी मदरहुड जैसी चीज थोप लेता है ये मदरहुड औरत की बॉडी के साथ में किसी जानवर की तरह चिपका हुआ है जैसे जोंक चिपक जाती है जिसकी वजह से आदमियों के लिए आसान हो गया दुनिया पर कंट्रोल करना वो बोलती है कि आदमियों ने औरत पर अपना डोमिनेंस कर लिया है ग्रेजुअली एकदम से नहीं किया ग्रेजुअली किया और इसकी शुरुआत हुई थी सूसा नाम की जगह से सूसा एक एंशियंट सिटी थी दोस्तों जो ईरान की नदियों के बीच में 250 किलोमीटर का एरिया था वहाँ पर ग्रेट फीमेल गॉडेस की जब पहली बार मूर्ति मिली तो लगता है वहीं से औरतों की इस स्लेवरी की शुरुआत हुई होगी अब आप कहोगे कि मूर्ति तो ग्रेट थी फीमेल गॉडेस की थी तो राइटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो यहाँ पर राइटर ऐसा इसलिए बोल रही है कि जब आदमी ने पहली बार औरत की मूर्ति बनाई तो वहाँ पर वहीं पर देवी बोलकर उसे उस मूर्ति से बांध दिया और सब चीज़ों पर खुद का कंट्रोल कर लिया लेकिन सही बात यह है कि आदमी ने ही उस मूर्ति को बनाया और वो ही उसे खत्म भी कर सकता है डिस्ट्रॉय भी कर सकता है उस मूर्ति को बनाने वाला उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है लेकिन इस मूर्ति को बनाने की वजह उसका सम्मान या प्यार नहीं था औरत के लिए बल्कि डर था डर की वजह से उसने ये मूर्ति बनाई थी और इसी के साथ साथ कुछ ग्रीक ग्रेट ग्रीक फिलासफर्स को भी क्रिटिसाइज करती है जैसे कि प्लेटो पाइथागोरस पाइथागोरस जैसे ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर ने भी लिखा है देयर इज अ गुड प्रिंसिपल दैट क्रिएटेड ऑर्डर लाइट एंड मैन एंड बैड प्रिंसिपल दैट क्रिएटेड डार्कनेस एंड वुमेन तो आप ग्रीक और रोमन टाइम की बात कर रहे हो तो ग्रीक और रोमन टाइम में भी यही हाल था वुमेन को कोई खास फ्रीडम नहीं थी ग्रीक टाइम में स्पार्टा जैसी सिटी को छोड़कर सब जगह पर यही हाल था कि फ्रीडम तो कहीं पर भी नहीं थी हालांकि रोम में हालात थोड़े ठीक थे रोम में फ्रीडम तो थी औरतों को लेकिन भेदभाव तो वहाँ पर भी किया जाता था पॉलिटिकल राइट्स किधर थे एक्चुअल राइट्स से पॉलिटिकल राइट्स वो कहाँ पर थे दुनिया के सारे फेमस धर्मों का नाम लेने के बाद में वो बोलती है कि क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही भेदभाव हुआ सिर्फ एक जगह थी जर्मन ट्रेडिशन जर्मन ट्रेडिशन को छोड़कर जर्मन ट्रेडिशन में क्लर्जी अपनी सब ऑर्डिनेट वुमेन को सर्व करते थे लेकिन क्रिश्चैनिटी में वुमेन का यही हाल था फिर ट्वेल्थ सेंचुरी में प्रॉन्स्टिट्यूशन और कोटली लव को लेकर काफ़ी चेंजेस आए फिफ्टींथ सेंचुरी में एक नन थी एलिवा की टेरेसा इन्हें की सेंट टेरेसा भी कहा जाता था दोस्तों ये एक स्पेनिश नन थी इन्होंने उस टाइम पर सक्सेसफुल आदमियों के बराबर रैंक पाली थी लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्हें वो एंटी फेमिनिस्ट कहकर क्रिटिसाइज करती हैं जैसे कि जोसेफ प्राउडन लेकिन 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 नाइन्टीन सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे शुरू हुआ ना तो औरतों को एक मौका मिला कि वो अपने घर से बाहर निकल कर काम कर सकती थी लेकिन जब वो काम करने गई तो उस वक्त औरतों को उनके काम के बदले में बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी अगर हम आदमियों के काम से कंपैरिजन करें तो लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसी वुमेन भी हुई जिन्होंने अपना लोहा मनवाया जैसे कि रोज़ा लग्जमबर्ग और मैरी क्यूरी जिनको मैडम क्यूरी भी कहा जाता है बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों फिजिक्स में इनका इन्होंने साबित कर दिया इन औरतों ने कि औरतें भी ब्रिलियंट होती है उन्हें कम ना समझा जाए औरतों की लाइफ बस मैंटुएशन वर्जिनिटी फीमेल सेक्चुअलिटी मैरिज मदरहुड और प्रोस्टिट्यूशन में फंसकर रह जाती है ये कभी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाती वो तो एग्जाम्पल देती है कि देखो किस तरह से औरतों को बदनाम करने की कोशिश की गई एटीन में एक ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन थी उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये बताया कि पीरियड्स के टाइम पर औरतें अगर मीट को हाथ लगाएं तो वो मीट खराब हो जाता है वो बोलती है कि औरतों को देखो कैसे बदनाम करने की कोशिश की गई है ये इमोरल आर्टिकल्स को पब्लिश करवाया गया चौदह महीनों की रिसर्च में उन्होंने बहुत सारे बड़े राइटर्स को पढ़ा था डी एच लॉरेंस और आंध्रे ब्रिटन जैसे राइटर्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ये औरतों के लिए कितनी मिथ्स फैलाते थे कैसे वो बोलती है कि डी एच लॉरेंस अपने वर्क्स के अंदर ऐसे औरतों को दिखाते थे कि जैसे वो जो करती है वो उसकी ड्यूटी है आदमी खुद को तो सब्जेक्ट मानता है और औरत को ऑब्जेक्ट मानता है औरतें उसके लिए अदर होती है और उसी ने औरतों के लिए ये मिथ्स फैलाई है इस वॉल्यूम की एंड में वो आर्थर रेमबाउड नाम के एक फ्रेंच पॉइंट को कोट करते हुए कहती हैं कि होपफुली वन डे एक दिन एक ऐसा आएगा जब औरतें फुल्ली ह्यूमन बींग बनेंगी और आदमी उसे उसकी फ्रीडम देगा दोस्तों ये एक ऐसी किताब थी जो स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर जब स्पेन में पब्लिश हुई तो इसको बैन कर दिया और सीक्रेटली स्मगलिंग होकर इस किताब की कॉपीज लोगों तक पहुंची थी इस बुक ने अमेरिका में सेकंड वेव फेमिनिज्म को भड़काने में बड़ा रोल प्ले किया था मैं आपको फेमिनिज्म वाली वीडियो में बताया था सेकंड वेव फेमिनिज्म वाली वीडियो में बैटी फ्राइडन नाम की एक अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर थी जिन्होंने इस बुक का बड़ा सहारा लिया था अपने वर्क को लिखने से पहले इंस्पिरेशन थी ये बुक ये बुक उनके लिए और इस वीडियो को ख़त्म करते करते एक चीज़ आप और नोट कर लो दोस्तों जो आपके लिए बहुत काम किए इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एच एम पार्शली ने जो एक जूअलॉजिस्ट थे और इस बुक को ट्रांसलेट करते वक्त पार्शली को हार्ट अटैक भी आया था एक माइनर सा लेकिन फिर भी बंदे का डेडिकेशन देखो कि उसने इस वर्क को ट्रांसलेट करके कम्प्लीट किया हालाँकि ये ट्रांसलेशन बहुत ख़राब था कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी कमियां थी तो दोस्तों फर्स्ट वॉल्यूम को यहां पर मैंने डिस्कस किया है अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट वॉल्यूम समझ में आई होगी दोस्तों फिलहाल आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो